यादव एक संघर्षशील नेता है और विचारों से कांग्रेस के निकट है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे थे। पप्पू यादव 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद ही सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। पप्पू यादव को ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस जो है वो उनको एक सीट पर टिकट दे रही है बिहार विधानसभा के उपचुनाव में। इसको लेकर कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे ठीक तौर से नहीं है, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के निकट माने जाते हैं, उनकी जो सोच है वो कांग्रेस के नज़दीक की है। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा पप्पू यादव को लेकर, आइए हम आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव को लेकर सर चर्चा है, क्या कोई बातचीत हुई है? पप्पू यादव कहा कि तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पे। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता है और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर राजनीति करते रहे और मुझे लगता है अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। उनके संबंध भी अच्छे हैं, संपर्क भी अच्छे हैं और हम सब की शुभकामनाएँ उनके साथ हैं जो तो अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखें सरकार। तो आपने सुना कि प्रेमचंद मिश्रा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस की बड़ी नेता है और पप्पू यादव के भी जो विचार हैं वो कांग्रेस से मिलते जुलते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार विधानसभा के उपचुनाव में सीट देती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैनिक न्यूज़।